हम अपनी तैयारी पूरी करके रखें, अगर कोई बात तो हम इस तरह तैयार रहें कि हमें तैयारी में कोई दिक्कत ना हो रहे। कभी कोई सूचना मिलती है तो हम पूरी तैयारी से साथ जाएँ, अपनी भी जान बचाएँ और पब्लिक की भी जान बचाएँ, इसलिए ये ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा जरूर रहता है। इसके अलावा देनी चाहिए, इसका भी प्रचार प्रसार सभी लोगों को होना चाहिए और सब मिल के जब के लगातार इस तरह के प्रैक्टिस होते रहे जिससे कि किसी तरह कोई बात। सर मॉक ड्रिल किया गया है, किस मद्देनजर किया गया है? देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी आगामी त्यौहार दशहरा और दिवाली का त्यौहार आना है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा तमाम हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं जिसमें यह होता है कि स्टेशन पे किसी भी तरह की घटना आतंकवादी कर सकते हैं, इसको देखते हुए एक मॉक ड्रिल किया गया है जिससे हमारे जवान तैयार रहें, RPF GRP को तैयार रहे और कोई इमरजेंसी ऐसी आती है जिसमें कोई सूचना मिलती है कि किसी में बम रखा है, किसी स्थान बम रखा है, तो वेल प्रिपेयर रहें और तत्काल उसमें वो कार्रवाई कर सकें और उसको सुरक्षित जो है पूरे जनता को अपने आप को सुरक्षित रहते हुए वो लोग जो है कार्रवाई करते हुए उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो इस तरह का अभ्यास सभी जगह किया गया, यही नहीं पूरे UP में चल रहा है। कल बनारस में हुआ, बनारस इलाहाबाद में कल किया गया था, आज मुगलसराय में हुआ है। इसी तरह और भी जनपदों में जो हमारे प्रमुख प्रमुख रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं जिससे इमरजेंसी में हमें कोई दिक्कत ना हो, हम लोग पूरी तरह तैयार। सर बिहार में चुनाव चल रहा है और उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, बिहार में चुनाव है, बिहार में 4 लगे, आज हम लोगों ने 12 बजे एक मीटिंग रखी है जिसमें GRPs की मीटिंग है, बेसिकली GRP की मीटिंग है जिसमें जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पटना से SRP स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस GRP वो आए हैं, उनके सारे ऑफिसर्स आए हैं, RPF कमांडेंट रहेंगे, RPF और GRP यहाँ के जो रहेंगे वो जो मुख्य चुनाव के बिंदु हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चुनाव के दौरान कैसे अवैध शराबों की तस्करी ट्रेन के माध्यम से हो रही इसको रोका जाए, अवैध लोगों को रोका जाए, इसी तरह नारकोटिक्स ड्रग्स का रोका जाए, क्योंकि इसी तरह जो पैसे जाते हैं, जबकि बॉर्डर्स पर तो चेकिंग होती है लेकिन जनरली जो ट्रेन जाती हैं वो सीधे थ्रू जाती हैं, उन पर भी चेकिंग करने की ज़रूरत है कि कुछ अवैध पैसा नहीं ले जाए, प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा क्रिमिनल्स की भी आपस में सूची का हम लोग लेन देन करते हैं, क्रिमिनल्स एक दूसरे को जानते हैं, इससे कोई घटना वो लोग न कर सकें।